जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके साथ और हमने ये आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स की परिभाषा को चार ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला था धन संबंधी वेल्थ डेफिनेशन, सेकंड मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, थर्ड आपका स्कैर्सिटी डेफिनेशन, फोर्थ ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। चार डेफिनेशंस ग्रुप में हम इसको बांट सकते थे जैसा कि कल हमने बताया। तो आज हम पहले ग्रुप को लेकर के चलते हैं और वो है वेल्थ डेफिनेशन। और इस वेल्थ डेफिनेशन को देने वाले इस इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ हैं। उन्होंने ही इस वेल्थ डेफिनेशन को 1776 1776 में अपनी लिखी हुई किताब एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा। और इसकी वजह से एडम स्मिथ ही इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। तो उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। और उनके वेल्थ ऑफ नेशन में, उनकी किताब में उन्होंने लिखा, अर्थशास्त्र में राष्ट्रों की संपत्ति के स्वरूप तथा इसके कारणों की जांच की जाती है। यानी कि इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द इंक्वायरिंग इनटू द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इनके साथ में और जो दूसरे इकोनॉमिस्ट जुड़े, जो जिन्होंने उन्होंने भी यही बात को रखा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी धन संबंधी परिभाषाएं दी। उनके आधार पर एक दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जेबी से, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स वो विज्ञान है जो धन का विवेचन करता है, अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो धन का विवेचन करता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ, अकॉर्डिंग टू जेबी से। उन्हीं के साथ के तीसरे प्रोफेसर सीनियर, उनके अकॉर्डिंग राजनीतिक शास्त्री की विषय सामग्री सुख नहीं बल्कि धन है। द सब्जेक्ट ट्रीटेड बाय पॉलिटिकल इकोनॉमिक इकोनॉमिस्ट इज नॉट हैप्पीनेस बट वेल्थ। ये प्रोफेसर सीनियर का कहना है। और उनके साथ जो चौथे जुड़े वो J.S. मिल, उन्होंने कहा अर्थशास्त्र धन के स्वभाव तथा उसके वितरण और उत्पादन संबंधी नियमों की खोज करता है। इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेट इनटू द नेचर ऑफ वेल्थ एंड द लॉज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये J.S. मिल का कहना है, यानी कि एडम स्मिथ और एडम स्मिथ के अनुयायी, उनके फॉलोअर इकोनॉमिस्ट जेबी से हैं, प्रोफेसर सीनियर है, J.S. मिल हैं, और इन्होंने उनके विचारों को का समर्थन किया। और उन्होंने भी यही कहा कि ये जो है ये धन का विज्ञान है। और उन्होंने भी धन संबंधी परिभाषाएं दी। और उनके साथ एक और है जो साथ में जुड़े, वो है प्रोफेसर वॉकर। उन्होंने कहा अर्थशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जो धन से संबंधित है। इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ। ये एक वॉकर हैं जो कि साथ में उनके जुड़ते हैं। और उन्होंने, इन सबों ने मिलकर के इस बात को कहा कि इकोनॉमिक्स सिर्फ धन का विज्ञान है और धन की विवेचना करता है,
सुख की विवेचना नहीं करता है और ये इसके अलावा और कुछ नहीं करता। तो अब ये जो परिभाषा धन की परिभाषा है, ये हमने आपको कुछ एक इकोनॉमिस्ट की जो डेफिनेशंस हैं वो पहले आपको दी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दी। अब हम आपको कहेंगे कि अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस डेफिनेशन की, और फिर इसको क्रिटिसाइज किया गया। तो हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इस डेफिनेशन में की विशेषता क्या है। तो नंबर एक, स्ट्रेस ऑन मनी, धन पर बल। हम पॉइंट्स आपको बता रहे हैं और उसके बाद फिर हम उसको समझा देंगे। पहला पॉइंट है धन पर बल, स्ट्रेस ऑन मनी। सेकंड है धन में केवल भौतिक वस्तुओं का समावेश, यानी कि ओनली दोज थिंग विल कम इन इकोनॉमिक्स, और ओनली दोज फिजिकल थिंग विल कम इन मनी, ओनली फिजिकल थिंग विल कम अंडर मनी, इट इज इंक्लूडेड, ओनली फिजिकल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन मनी। इज इट क्लियर? ओनली फिजिकल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन मनी। थर्ड, इट इज मीन्स ऑफ प्लेजर, सुख का साधन है, इट इज अ मीन्स ऑफ प्लेजर। फोर्थ, चौथा, आर्थिक मनुष्य की कल्पना, इमेजिनेशन ऑफ इकोनॉमिक मैन, इमेजिनेशन ऑफ इकोनॉमिक मैन। एंड फिफ्थ, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित, इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड सोशल बेनिफिट्स। ये पांच चीजें इसमें पाई गई, इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहली, अब हम आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पहला क्या है, धन का पर बल, स्ट्रेस ऑन मनी। इनका कहना है, इन सारे साइंटिस्ट का कहना है कि सिवाय धन के, धन की विषय सामग्री ही है जो कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इसमें अध्ययन किया जाए। इसमें सिर्फ धन का अध्ययन किया जाता है और कुछ नहीं इसमें होता, यानी कि सिर्फ और सिर्फ धन है इकोनॉमिक्स और कुछ भी नहीं। दूसरा है, आपको दिया कि धन में केवल भौतिक वस्तुओं का समावेश, ओनली फिजिकल थिंग्स आर कम अंडर मनी, यानी कि जो दिखाई दे और जो छू सके, जिसको हम देख सके और छू सके, वो ही भौतिक वस्तुएं धन के अंतर्गत आती हैं। तीसरा, धन सुख का साधन है, मानवीय सुख का एक ही साधन है, वो है धन। इनका कहना मतलब कि सिर्फ धन है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद चौथा, आर्थिक मनुष्य की कल्पना इन्होंने कर डाली, इमेजिनेशन ऑफ इकोनॉमिक मैन। इन परिभाषाओं में एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है जो केवल सेल्फ इंटरेस्ट से प्रेरित होकर के आर्थिक क्रियाएं करता है, यानी कि उसको अपने ही इंटरेस्ट में ही वो कार्य करता है, बाकी काम से उससे कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद पांचवें पर आया, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित, इंडिविजुअल प्रॉफिट एंड सोशल प्रॉफिट। व्यक्तिगत, इसको अगर हम देखें तो व्यक्तिगत हित तथा सामाजिक हित में कोई परस्पर विरोध नहीं है। व्यक्तिगत समृद्धि और राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है, अगर हमारी वृद्धि हो रही है तो राष्ट्रीय धन में वृद्धि हो रही है, इसमें आपस में कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, धन है तो धन है हमारे पास, अगर इंडिविजुअल धन हमारे पास आया, अगर हम अच्छा कमाते हैं तो हम टैक्स अधिक देंगे, हम जब टैक्स अधिक देंगे तो हम राष्ट्रीय धन में वृद्धि करते हैं। तो यानी कि हम अपने धन में वृद्धि करने के बाद, जब हम एक
इकोनॉमिक मैन होकर के वर्क करते हैं, अपने सेल्फ को अगर हम ऊंचाई पर लेकर के जाते हैं तो हम ज्यादा चीजों को हम पे अप करते हैं और हम उसमें राष्ट्रीय हित में हम अपने उस धन को देते हैं। आज के लिए इतना काफी है, अब नेक्स्ट उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्रिटिसिज्म, इसका क्रिटिसाइज किया गया और इकोनॉमिस्ट के द्वारा, उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।